खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ दीपिका सिंह। सबसे पहले बड़ी खबर हनुमानगढ़ से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हनुमानगढ़ दौरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे इंदिरा रसोई। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साथ में रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने आम जन से इंदिरा रसोई का फीडबैक भी लिया और ये उस दौरान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इंदिरा रसोई का इस तरह से मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया हो। इससे पहले भी कई बार अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री इंदिरा रसोई पहुंचे थे और वहां पर जो लोग मौजूद रहते हैं, जो भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं, उनसे फीडबैक भी लेते हैं और ये पूछते भी हैं कि भोजन कैसा है, सुविधाएं कैसी हैं और व्यवस्थाएं कैसी हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा रसोई पहुंचे हैं और यहां पर जो है जायजा ले रहे हैं। जब भी सोशल सिक्योरिटी की बात होती है तो संभवतः राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर उभरते हैं जिनकी अपनी एक पहचान है, तो खास तौर पर इन चीजों को फोकस करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा रसोई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर योजना के लिए आभार जताया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बेहतर योजनाएं लेकर आई है। हमारी योजना का केंद्र आम और गरीब आदमी है। अब केंद्र को भी सोशल सिक्योरिटी के लिए देश में एक रूपता लानी चाहिए। सीएम गहलोत से खास बातचीत की सहयोगी लक्ष्मण राघव ने सुनी जरा। सर, सोशल सिक्योरिटी की जब भी बात हुई आप हमेशा कुछ ऐसी योजना लेकर आए जो आम आदमी को वाकई राहत देती है, फिर चाहे इंदिरा रसोई की बात हो, चिरंजीव स्वास्थ्य योजना की बात हो। इन तमाम कोशिशों के बावजूद आपने आज भाषण में भी कहा कि काम में आप कसर नहीं छोड़ते, फिर क्या वजह है कि कांग्रेस रिपीट नहीं हो पाती और इस बार क्यों लगता है कि माहौल बनेगा? देखिए, तो जनता माई बाप है, फैसला करती है, कई फैक्टर काम कर जाते हैं। इस बार लगता है कि जो हमारी योजना है उनका लाभ भी आम लोगों तक तो पहुंच रहा है और हमने बहुत कल्याणकारी योजना शुरू करी है जो कंट्री में कहीं नहीं, वो हमने किया है। यहाँ पर चाहे चिरंजीव की बात करें, चाहे उड़ान की बात करें, चाहे इंदिरा रसोई की बात करें, चाहे वो शहरों में रोजगार देने की बात करें, तो एक के बाद एक स्कीम आई है। मैंने जो नई बात कही हुई प्रधानमंत्री जी रिक्वेस्ट की है कि आप जो है पूरे कंट्री के लिए एक्ट बनाए पार्लियामेंट के अंदर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर परिवार को सिक्योरिटी मिले, टाइम आ गया है और कोई भूखा नहीं सोए। जो बात मैंने कही थी कोरोना के अंदर वही बात कही है अभी सुप्रीम कोर्ट ने, तो वक्त आ गया कि आगे बढ़ के केंद्र सरकार को राइट टू सोशल सिक्योरिटी मिले, हर परिवार को तकलीफ नहीं आए, ये होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आम आदमी के मुख्यमंत्री माने जाते हैं, ये बात कही जाती रही, जननायक जैसे संबोधन चलते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि सत्ता और संगठन में कोई समन्वय का अभाव रहता है? चीजें जिसमें एक छवि जो मुख्यमंत्री की निर्मित होती है वो कहीं ना कहीं आखिर में टूटती है या उस पर कई चीजें हो जाती हैं, तो इसको मिथक ये टूटे, इसके लिए आप किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं पार्टी के भीतर भी और बाहर भी? देखिए, पार्टी एकजुट है, सब मिलकर इलेक्शन में उतरेंगे, हम लोग काम करेंगे। अभी सवाल देश का है, देश के फ्यूचर का है, देशवासियों के फ्यूचर का है। जो तनाव है, वायलेंस का माहौल है, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू करी है भारत जोड़ो यात्रा, ये महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और साथ में अमीर गरीब की खाई बढ़ती है, वो मुद्दा है। तो हमारे लिए प्रायोरिटी वो होनी चाहिए, बजाय इसके कि कोई कमेंट, तो कोई उसका अंत ही नहीं है, कमेंट का जवाब कमेंट होते रहेंगे, उन सबसे हटके मेरा मानना है कि अभी हमें पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर पार्टी की सरकार बने वापस राजस्थान में, तब जाके और जगह सरकार बनेगी कांग्रेस की। राजस्थान हमारे लिए बहुत महत्व रखता है और वही सोच हम सब की है, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। सर, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर आप निकले हैं, बजट भी आने वाला है, चुनावी साल है, तो क्या लगता है जो फीडबैक आ रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी की बात है, आपने जनसुनवाई शुरू की थी कोरोना के चलते नहीं हो पाई, तो इन सब चीजों पर अभी जो है बजट में क्या उम्मीद करें कि किसान खासतौर पर, चूंकि जिस अंचल में आप खड़े हैं और यहाँ के लिए आपने IGNP का पिछली सरकार में बजट लेकर आए थे आप, तब मरम्मत की बात हुई थी, अब जो है राइस बेल्ट घोषित करने की मांग लगातार इस क्षेत्र के लोग करते हैं, इन चीजों पर क्या है? जो मांगे करते हैं उनको हम पूरा दिखाएंगे, क्या कर सकते हैं, जो मांगे तो जहाँ जाते हैं वहाँ मांगे उठती है और हम लोग सुनवाई भी करते हैं, जन सुनवाई करते हैं और प्रयास करते हैं कि अधिकांश मांगे पूरी हो,
कई मांग ऐसी होती जो कि लागू नहीं हो पाती है, उनको बताते भाई ये इस पे मजबूरी भी है। एक नेशनल मुद्दा बना हुआ है सर रेसलर्स का, और कोई बयान प्रधानमंत्री का या खेल मंत्री का अभी तक नहीं आया, आप जानते हैं तमाम लोग बात हो रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये ऐसे मुद्दे हैं जो जब राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन जाता है तो फिर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उसको कोई कोई कमेंट करना चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे कि जो समस्या चल रही है, धरना चल रहा है, उस पर सरकार का ध्यान गया है। सर जादू की बात बहुत हो रही है, तो क्या राजस्थान में जादू चलेगा? जादू की बात बहुत हो रही है, पार्टी के लोग भी जादूगिरी की बात कर रहे हैं। देखिए जादूगर तो जिंदगी में बचपन से रहे हम लोग और जादू चलते चलते यहाँ तक पहुंचे हैं, आज तक जादू चलते रहा है। तीन दिन बाद में मुख्यमंत्री बन जाए और मैं कहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी जो माली कहलाती है, सैनी कहलाती है, उसका पूरा विधानसभा में हमारी पार्टी में एक MLA है और वो मैं खुद ही हूँ, तो जब तक छत्तीसगढ़ कौम का प्यार नहीं होता, विश्वास नहीं होता, तो कौन आपको मुख्यमंत्री बनाए, कौन 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बनाए, कौन आपको 3 बार केंद्रीय मंत्री बनाए, तो संभव नहीं होता है सर। भारत जो इसलिए मुझे लगता है कि ये अपना काम करते जाओ, बाकी सब फिक्स है, किसको क्या बनना है, किसको क्या दिशा तय करनी है, किसको क्या फैसले करने हैं, ये तमाम बातें फिक्स है, वो सब उसी ढंग से होता रहता है और हम लोग उसको फॉलो कर। तो देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो जादूगर तो हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जनता के लिए लगातार ऐसी योजनाओं पर काम कर रहे हैं जिससे निश्चित तौर पर राजस्थान में परिवर्तन देखने को मिला है। और अब राज्य